हरे कृष्णा। आज के इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से प्रारंभ करें। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजना। यमुना पीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरा निताय जय गौरा निताय गौरा निताय जय गौरा निताय, जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि। श्री श्री राधा गोविंद देवी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताई की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे भक्ति इसमें हमने देखा था कि जब कंस जो है देवकी को मारने वाला था, तब वसुदेव ने कंस को समझाया कि अगर तुम्हें उनके पुत्रों से डर है तो मैं तुमको एक एक पुत्र ला के दूंगा। वासुदेव के बाद एक पुत्र लाने लगा।
कंस ने छोड़ दिया कि ये बच्चे को ले जा सकते हो क्योंकि मेरे को तो आठवें पुत्र से, मेरे को आपके आठवें पुत्र से डर है भाई। बस वासुदेव ऐसा करके घर चले जाते थे, हालांकि उनको मन में डर था कि ये असुर है, कभी भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। नारद मुनि एक तुरंत कंस के घर जाते हैं, महल में जाते हैं, जब पहले बच्चे को लौटा दिया कंस ने, और नारद मुनि उनको समझाते हैं। कंस पूछता है कि क्या प्रोग्रेस चल रही है, देवता लोग क्या प्लान कर रहे हैं। मैं उनको बताता हूं कि सारे वसु तो प्रकट हो गए हैं, नंद महाराज उनके लीडर हैं, देवता लोग भी उत्पन्न हो गए हैं, वृष भानु उनके लीडर हैं, वेद भी अपरे हो गए हैं गोपियों के रूप में, देव भी वृष्णि के रूप में हो गए हैं, उनके मुख्य वसु हैं, वसुदेव हैं, और सारी देव देवियां भी पत्नियों के रूप में, उनकी पत्नियों के रूप में आई है, देवकी के, देवकी उनके हेड है। और वो किस तरीके से उनकी काउंटिंग हो, वसुदेव का कोई भी पुत्र आठवां पुत्र हो सकता है और उनमें से कोई भी आपको मार सकता है, यही तो देवी का देवताओं की चालाकी है। उसी समय कंस क्रोध से भर गया और उसने देवताओं के इस प्लान को समझ के देवताओं को मारने की सोची, सारे यदुवंशियों को मारने की सोची, और उसके बाद उसने वासुदेव देवकी को चैन से बांध दिया और देवकी के पुत्र पहले पुत्र को पत्थर से स्मैश करके बांध दिया। और इस प्रकार से विष्णु के भय से उन्होंने देवकी के हर एक पुत्र को मार दिया। उग्रसेन जो राजा था अपने पुत्र के इस कार्यकलाप से संतुष्ट होके कंस को उसने रोकने की कोशिश की, वसुदेव को रक्षा करने की कोशिश की सिपाही भेज के। उग्रसेन के सिपाहियों को देखे, कंस के सिपाही ने उनसे युद्ध किया और 10,000 लोग मारे गए। कंस ने फिर अपना गदा उठाया और अपने फादर के, अपने पिता के सिपाहियों को क्रश कर दिया, मार दिया, उनके मुंह तोड़ दिए, मस्तक तोड़ दिए, टांगे तोड़ दी, मुखमंडल, कंधे, भुजाएं तोड़ दी। कई सिपाहियों का इस बार से अचेतन हो गए, कई मारे गए, पूरा असेंबली हॉल जो था रेड हो गया। तब जाके कंस ने क्रोधित होते अपने फादर को, पिता को पकड़ा और उनको उनके सिंहासन से घसीट के नीचे लाया, उनको रस्सियों से बांध दिया और उसको जेल में बंद कर दिया। और फिर रस्सियों से बांध दिया और प्रिजन में कर, उसके बाद सिंहासन पर स्वयं कंस बैठ गया। जो मधु राजा और शूरसेन का, मधु और शूरसेन का राज्य था। कंस से प्रताड़ित होके सारे जो यादव थे दूसरे देशों में भाग गए, संबंधी को देखने के बाद। इस प्रकार से
उन्होंने एक अच्छे समय का प्रतीक्षा किया। जब योग माया ने देवकी के सातवें गर्भ को ब्रज में ले गई और रोहिणी के गर्भ में डाल दिया, उसके भ्रूण को रोहिणी के गर्भ में डाल दिया, तो मथुरा के लोगों ने आश्चर्य प्रकट किया कि सातवां बच्चा तो ये गर्भवती तो थी देवकी, लेकिन सातवां बच्चा कहाँ गया? तो ब्रज में 5 दिनों के बाद भाद्र महीने में छठे दिन शुक्ल पक्ष के रात्रि में जब बुध और 5 ग्रह जो हैं और उनका नक्षत्र क्षितिज पे थे, मध्य में थे, क्षितिज के मध्य में देवताओं ने पुष्प बरसाए और बादलों ने थोड़ी सी वर्षा की, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नंद महाराज के अपने ऐश्वर्य के साथ में वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए। ये था बलराम जी का अवतार। बलि बलराम अवतार की जय। कृष्ण पक्ष के छठे नंद महाराज ने बच्चे का जन्मदिन मनाया। और 10 लाख गायें दान में दी ब्राह्मणों को। उसने फिर गोपों को बुलाया और एक बहुत शुभ उत्सव किया। कई गायकों को बुलाया, यंत्र बजाने वालों को बुलाया। वहां पर देवल ऋषि के बाद देवरात वशिष्ठ बृहस्पति और मैं नारद हम सब पहुंचे। व्यासदेव और हम सब व्यासदेव बहुत प्रसन्न हुए जब नंद महाराज ने उस बालक के चरणों को धोया अलग अलग तरीके से। नंद ने कहा, ये सुंदर बालक कौन है जिसके इसके समान सुंदरता वाला कोई बालक नहीं? ये बालक कैसा है कि ये रोहिणी के गर्भ में केवल 5 दिन रहा है? रोहिणी के गर्भ में केवल 5 दिन रहा है स्वामी, बताइए। व्यासदेव जी कहते हैं, नंद महाराज आप बहुत भाग्यशाली, ये अनंत शेष हैं। ये मथुरा में वासुदेव के द्वारा देवकी के घर में स्थापित किए गए थे भगवान कृष्ण की इच्छा से। और नंद अभी आप उसे देख सकते हैं, जबकि बड़े बड़े योगी भी इनको देख नहीं पाते। नंद महाराज कहते हैं, मैं यहाँ पर आया हूँ उनको देखने के लिए। मुझे इस महान पुरुष को बताइए जो महान से भी महानतम है और अभी हमारे यहाँ शिशु के रूप में आए। व्यास जी बोलते हैं कि नंद महाराज, मैं यहाँ पे उनको देखने के लिए आया हूँ, इसलिए बताइए। नंद ने उस बालक अनंत शेष को दर्शन करवाए संतों के, साधुओं के। पालने में उस बालक के दर्शन करते हुए व्यास देव जी
आश्चर्य से आश्चर्यचकित हो गए। उनको प्रणाम किया और प्रार्थना की, हे देवताओं के स्वामी और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हे भगवान, जो आप, हे भगवान, जो आपकी इच्छाएं पूरी करता है, आपको प्रणाम, आप अनंत शेष हैं, आपको प्रणाम। और आप डायरेक्टली भगवान बलराम है, नित्य नित्य आपको प्रणाम। हे शंकरषण, आप पृथ्वी के पालन करता है, पूर्ण है, ज्योतिर्मय है, महिमामय है, और हाथों में एक फल लेके और आपके हजारों सिर हैं। आप ही बलदेव हैं, आप ही रेवती के पति हैं, और आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बड़े भाई हैं। आप ही भुजाओं में एक हल लिए हुए हैं और आप प्रलम्बासुर के वध करने वाले। सुप्रीम पर्सन, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। प्रणाम प्रणाम, आपको प्रणाम। अब आपको बल और बलभद्र भी कहते हैं, जो ताल के वृक्ष का ध्वज धारण करता है। प्रणाम आपको रोहिणी के गौर पुत्र, आप नीले वस्त्र में रहते हैं, नीलांबर। आप धेनुकासुर के मुष्टिक के कूट के रुक्मी के कूप करने के और कुबद्ध के कुंबंध के शत्रु हैं। आप ने बलबल को, बलबल नाम का असुर था, बलबल को वध किया। आपने यमुना को दो भागों में डिवाइड किया था, हस्तिनापुर को हल से खींच लिया था। आप दिविद वानर के शत्रु हैं, आप यादवों के, यदुवंशियों के राजा हैं, और ब्रज के आभूषण हैं। आपने कंस के ब्रदर, कंस के भाइयों का वध करता है। आप एक तीर्थ यात्री के समान भी, जो अलग अलग तीर्थ स्थानों में जाते हैं, आप सुप्रीम, आप परम गुरु हैं, दुर्योधन के शिक्षक भी हैं। हे भगवान, इस जगत की रक्षा कीजिए। अच्युत भगवान और महान से भी महानतम, हे भगवान अनंत, हे भगवान जिसकी प्रशंसा चारों ओर फैली हुई, आपको प्रणाम। आप हाथ में गदा धारण करते हैं और हल धारण करते हैं, देवताओं के स्वामी हैं, ऋषियों के स्वामी हैं, और दिव्य लोक के शेष सर पे। जो व्यक्ति रेगुलरली ये सब प्रार्थनाओं को गाता है, वो भगवान हरि के धाम को प्राप्त कर। इस जगत में रहते हुए भी आप सारी शक्ति प्राप्त करते हैं, अपने शत्रु का वध करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं, धन प्राप्त करते हैं, अनुयायी प्राप्त करते हैं। नारद मुनि कहते हैं, इस प्रकार बलराम जी की परिक्रमा करके और उनके सामने 100 बार सिर झुका के
ऋषियों में अग्रणी, मुनियों में अग्रणी व्यास देव जी के जो पाराशर के पुत्र हैं, पाराशर सती के पुत्र हैं, इनका दर्शन करके सरस्वती नदी की तरफ चले गए। इस प्रकार भगवान बलराम का अवतरण होता है। बलराम भगवान की जय। दसवें अध्याय में, 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण का अवतरण होता है। नारद मुनि कहते हैं जो श्री कृष्ण है 8वें अध्याय में, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो महान से भी मानतम है, और पर्सनली वसुदेव के हृदय में प्रवेश किया। नारद मुनि कहते हैं श्री कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो महान से भी महानतम है, वो वासुदेव के हृदय में प्रवेश किया। उन्होंने महान आत्मा वासुदेव का शरीर चमकने लगा सूर्य के समान, चंद्रमा के समान और अग्नि के समान। वो स्वयं ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न लगने लगे। जब भगवान कृष्ण जो सबको निर्भयता प्रदान करते हैं, भगवान कृष्ण जो सबको अभयता प्रदान करते हैं, वो देवकी के गर्भ में प्रवेश किए, देवकी में प्रवेश किए। देवकी भी जो है, देवकी भी प्रकाशित होने लगी। जैसे बिजली का प्रकाश होता है, वो अपने घर में प्रवेश किया, उसको इतना एफलजेंट देख के, तेजोमय देख के कंस डर गया। कंस ने सोचा कि आप मेरे जीवन को नष्ट करने वाले व्यक्ति प्रकट हो गया है। देवकी तो पहले कभी इतनी शाइनिंग नहीं थी, इतना तेजोमय नहीं थी। जैसे ही ये पुत्र जन्मेगा मैं इसको मार डालूंगा, कंस ने सोचा। ऐसा बोलते हुए सारी दिशाओं में देखते हुए और इस प्रकार के अपने शत्रु, पूर्व शत्रु को देखते हुए कंस भय से भर गया, भय से पूर्ण हो गया। तो इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर कोई भय से, ये ईर्ष्या से भी देखे तो वो भी कृष्ण को देख सकता है। इस कारण से इसी रीजन से जो असुर हैं, कृष्ण का संग पाने के लिए कृष्ण से घृणा करते हैं। ये एक दूसरे प्रकार का संग। तब देवता लोग जिनके मुख्य थे ब्रह्मा जी और जो महान संत हैं जिनका हेड में था, वासुदेव के घर में गए, उनको प्रणाम किया, भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान कृष्ण तो देवकी के गर्भ में थे और उन्होंने उनको कई प्रार्थना की। देवता लोग प्रार्थना करते हैं, प्रकृति के गुणों का आश्रय लेकर दार्शनिक लोग बड़ा अद्भुत विचार करते हैं कि ये जो सुप्रीम है, परम पुरुष है, ये क्या दूसरी चेतना का उदय इन्हीं से होता है या इनसे नहीं होता? जैसे अग्नि से चिंगारी आती है पर फिर से अग्नि में प्रवेश नहीं करती, उसी प्रकार से जो महत्व हैं, इंद्रियां हैं और देवता हैं, भगवान से आते हैं पर उनमें प्रवेश नहीं करते। हमें ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं।
बलशाली से भी, बलवान से भी बलशाली उनको विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भ्रम की शक्ति उनको जीत नहीं सकती है, वेद उनको वेद उनको बारे में विचार नहीं कर सकते हैं। ऐसे नित्य शांत और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को हम प्रणाम करते हैं। उनके अंश अवतार, अंश अंश अंशांश अवतार, कला अवतार, आवेश अवतार, पूर्ण अवतार और ऐसे कई अवतार हैं। वो सृष्टि का निर्माण करते हैं, पालन करते हैं और नष्ट करते हैं। ऐसे भगवान कृष्ण को जो मूल रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो पूर्ण अवतार से भी ऊपर हैं, उनको आप प्रणाम करते हैं। मनवंतर में, युगों में, कल्पों में, भूतकाल में, भविष्यकाल में आप अपने आंशिक अवतार के रूप में आते हैं, पर इस बार आप अपने मूल और पूर्ण रूप में आए हैं और वास्तविक धर्म की स्थापना करने आए हैं। आप पृथ्वी पर ऑस्पिशियसनेस लाते हैं, शुभता लाते हैं। हे आनंद देने वाले भगवान, हम अपने हृदय में उन पराग कणों को धारण करते हैं जो आपके चरण कमलों से निकले हैं। जैसे जैसे आप चलते हैं तो आपके अमृत रूपी पराग कणों को हम अपने हृदय में स्थापित करते हैं, जो बड़े बड़े शुद्ध योगियों को भी प्राप्त नहीं हो सकते हैं, जब तक कि उनका हृदय आपके प्रेम से पिघल नहीं जाता। हमारे हृदय में आप अद्भुत आपके रूप को हम ध्यान करते हैं। आपका जो सुंदर रूप है वो करोड़ों कामदेव से भी सुंदर है। आप गोलोक क्षेत्र की महिमा है। आप राधा रानी के स्वामी हैं और इस पृथ्वी के धन हैं। नारद मुनि बोलते हैं, हरि को इस प्रकार प्रणाम करते हुए उनकी महिमा गाते हुए जो देवता लोग थे, जिनका मुख्य ब्रह्मा जी थे, संतों के साथ में अपने अपने धाम में चले गए भगवान की, क्योंकि भगवान अब अवतरित हुए हैं। ब्रह्मा जी के जगत में आए, इस ब्रह्मा चतुर्मुखी ब्रह्मा के ब्रह्मांड में आए, इसलिए भगवान प्रार्थना, ब्रह्मा जी प्रार्थना के सारे देवता प्रार्थना करके चले गए। वो मिथिला के राजा बहुलाशु को नारद मुनि कथा सुना रहे हैं। वो मिथिला के राजा भगवान हरि के प्राकट्य के समय आकाश और जो 10 दिशाएं हैं सब शुद्ध हो गए। जो तारे थे बहुत चमक रहे थे, पृथ्वी बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही थी, नदियां, झरने, महासागर और झीलें शुद्ध जल से भर गई, जो हवा थी ठंडी वो सुगंधित पराग कण जो हजार पंखुड़ी वाले कमल है उनके, उनसे सुगंधित पराग कण बिखेर रही है सब जगह, जो फैलते हुए दिखाई दे रहे थे। भंवरे हमिंग कर रहे थे, आवाज कर रहे थे, रंग बिरंगे पक्षी गा रहे थे और
ठंडी सुगंधित हवा बह रही थी। राज्य जो है पूरा राज्य बहुत ऐश्वर्यवान हो गया, नगर और गांव शुभ हो गए। देवता लोग, ब्राह्मण लोग, वृक्ष और गाय सब प्रसन्न हो गए। देवताओं ने ड्रम बजाए अपनी विजय के लिए। हर जगह बहुत शुभ हो गया सब कुछ। विद्याधर, गंधर्व, सिद्ध, किन्नर, उच्चारण जो है गाने लगे, और जो मुख्य देवी देवता हैं भगवान की स्तुति कर। गंधर्व, विद्याधर जो है उन्होंने डांस किया स्वर्ग में। देवताओं ने कई पारिजात, मंदार, मालती पुष्प और सुमन पुष्प, और जो बादल देवता ने सब पुष्प भेजे फेंके नीचे। बादल आवाज जोर जोर करने लगे और थोड़ा थोड़ा सा जल छिड़कने लगे। तब उस समय भाद्र महीने में 8वीं तिथि को, भाद्र महीने की 8वीं तिथि को जो कृष्ण पक्ष की रात्रि थी, जब बुध और दूसरे तारे रोहिणी और समय क्षितिज में था, और जो सब लोग थे वो हर्षण योग में थे। मध्य रात्रि में जब सारी चीजें अंधेरे से ढकी हुई थी, चंद्रमा उदित हो रहा था। इस प्रकार जो है भगवान का जन्म हुआ कृष्ण चंद्र का। वसुदेव ने अपने पुत्र की तरफ दृष्टि डाली। उसने बहुत कलरफुल ज्वेल नेकलेस पहन रखे थे, कस्तु मणि पहन रखी थी, आर्मलेट, एंकलेट, इयररिंग, और मुकुट पहन रखा था उदयसूरी के समान, ब्रेसलेट, अद्भुत फ्लिकरिंग फ्लेम्स थी, बेल्ट, लाइटिंग की शानदार बेल्ट पहन रखी थी, लोटस गार्लैंड, मधुमक्खी की आवाज से गोल्डन गारमेंट्स पहन रखे थे। जो घने बादलों के समान लाइट से चमक रहा था। उनका मुखमंडल जो है काले घुंघराले बादलों से के साथ उनका मुखमंडल हिल रहा था। उनका जो चमक था वो अंधेरे को दूर कर रहा था, शुभ और सुंदर था। इनकी आंखें कमल के पुष्पों के समान थी। सजी हुई थी, आश्चर्यजनक थी,
और कलरफुल पिक्चर और डिजाइन थे। 10 करोड़, 1 करोड़ कामदेव से भी ज्यादा सुंदर थी उनके कृष्ण की आंखें। वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे, महान से भी महानतम थे। और बड़ी सुंदरता से बांसुरी बजा रहे थे। इस प्रकार से वासुदेव जी, जो यदुवंशियों में श्रेष्ठ हैं, उनकी आंखें चमकने लगी भगवान हरि के, भगवान कृष्ण के जन्म को देख के। और अपने हृदय में उन्होंने अचानक 1-10 लाख गायों को दान में देने का किया। भगवान के अनुग्रह सामने मैटरनिटी रूम में जो अद्भुत वसुदेव हैं, उन्होंने प्रणाम किया। अभी भय से मुक्त, हाथ जोड़कर उन्होंने बहुत सारी प्रार्थनाओं से भगवान को प्रसन्न किया। वसुदेव ने प्रार्थना की, हालांकि आप एक हैं, लेकिन जो भौतिक प्रकृति के गुण है भौतिक प्रकृति के जो गुण हैं उसे आप कई दिखते हैं। आप क्रिएटर हैं, मेंटेनर एंड डिस्ट्रॉयर हैं। आप जगत के सृष्टि करता है, पालन करता है और जगत के विनाशक। जैसे क्रिस्टल जो है वो कलरलेस होता है, जैसे क्रिस्टल कलरलेस होता है, आप जो हैं भौतिक गुणों से स्पर्श नहीं होते हैं। हे जगत के स्वामी, मैं आपके सामने प्रणाम करता हूं। आप अंदर से ईंधन में अग्नि के समान है, बाहर आप आकाश के समान है। आप पालक हैं, पृथ्वी के समान पालक हैं। आपको सब कुछ देखते हैं, आप सब जगह उपस्थित हैं। हवा के समान मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, गायों के पालक हैं, देवताओं
देवता ब्राह्मण गायों और के पालक हैं, आपके स्वयं के बच्चे जो या संगी हैं जो मेरे वंश में उत्पन्न हुए हैं, उन उन सेनाओं का पृथ्वी पे से भार उतार रहे हैं। हे जगत के स्वामी, मुझे इस पापी कंस से मेरी रक्षा करें। वसुदेव भगवान के पिता ही भगवान से प्रार्थना करें। नंद महाराज कहते हैं, नारद मुनि कहते हैं, ये समझ के कि ये सुंदर और गहरे जो श्री कृष्ण हैं, इनको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समझ के देवकी जो कि देवताओं के बराबर थी, ने उनको प्रणाम किया और बोली, देवकी बोली, ओ कृष्ण, ओ अनगिनत ब्रह्मांडों के स्वामी, ओ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, ओ गोधाम गोलोक धाम के ध्वज, ओ मूल पुरुषोत्तम भगवान, ओ परफेक्ट वन, मोस्ट परफेक्ट पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, ओ सुप्रीम कंट्रोलर, मेरी रक्षा करें, कंस की निर्दयता से मेरी रक्षा करें। नारद मुनि कहते हैं, भगवान कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो पापों का विनाश करने वाले, मुस्कुराए और देवकी और वासुदेव से इस प्रकार बोले। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं, पूर्व सृष्टि में वो सती प्रश्चेष्ट प्रश्नी थी, जिन्होंने अपने पति की सेवा इस प्रकार की थी कि जैसे पति स्वयं भगवान हो, और आप सुतपा थे, वासुदेव से बोलते हैं, आप सुतपा थे जिनकी संतान उत्पन्न करने की इच्छा थी, जब समय के साथ मनवंतर पास हुआ, आपकी तपस्या जो है संतान उत्पन्न करने की तपस्या चलती रही, तब मैं आपसे प्रसन्न हो गया और मैंने आपसे वरदान का पूछा। ये सुन के आप दोनों ने कहा, आपके समान हमें पुत्र चाहिए। मैंने कहा, ठीक है, ऐसा ही हो। उसके बाद में आप प्रजापति कपल बने। ऐसा सोचकर कि मेरे समान कोई नहीं है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आपके पुत्र बन गए इस जगत में और प्रश्नी गर्भ कहलाए। तब दूसरी बार मैं आपका इंद्र के रूप में वामन बन गया। अब मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ, महान से भी महानतम हूँ, फिर से आपका पुत्र बन गया।
मुझे नंद महाराज के महल में ले जाइए। डरो मत, मुझे नंद महाराज के महल में ले जाइए। कंस से डरो मत, नंद की पुत्री को ले आइए, इस प्रकार से आप प्रसन्न हो जाए। श्री नारद मुनि कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवान हरि अदृश्य हो गए। और जैसे एक व्यक्ति का जब इस प्रकार से भगवान ने बोला कि आप कंस से डरो मत, तो नारद मुनि ने कहा इस प्रकार बोल के कि भगवान हरि ऐसा बोल के अदृश्य हो गए। फिर जैसे एक अभिनेता करता है, वो फिर से बालक के रूप में फ्लोर पे पृथ्वी पे फिर से दिखाई दिए। जैसे कि वसुदेव था, वसुदेव शिशु को पालने में रख रहा था और जाने ही वाला था, उसी समय योग माया जो है, योग माया देवी ब्रज में भगवान नंद, भगवान जो है भगवान की योग माया शक्ति नंद ब्रज में नंद महाराज की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न। योग माया देवी ने सारे रक्षकों को सारे गार्ड्स को नींद में कर दिया, हथकड़ियां खोल दी, लॉक खोल दिए और सारे योगमय शक्ति से सारे दरवाजे खुल गए। कंस ने जिस महल में वासुदेव को कैद कर रखा, और अपने सिर के ऊपर कृष्ण को रख के वासुदेव चले गए अंधेरे में। ऐसा उठाए जैसे सूर्य जागृत हो रहा है और जैसे बादल आकाश में वर्षा कर रहे थे। अनंत शेष जो हजार मुख वाले अनंत शेष थे, वो वर्षा से रक्षा करते हुए अपने फनों से भारी वर्षा से रक्षा करते हुए वासुदेव को उन्होंने फॉलो किया। इस प्रकार से वासुदेव जब ले जा रहे थे और भारी बारिश हो रही थी, तो अनंत शेष हैं जो उन्होंने उनको रक्षा की। और बहुत सारे लहरों से और चक्रवात से उसका किनारे भर गए, उसमें शेर सांप और दूसरे जंगली प्राणी आसपास थे, और यमुना जो नदियों में श्रेष्ठ है, उन्होंने वासुदेव को इस प्रकार से रास्ता प्रदान किया। नंद महाराज के ब्रज में प्रवेश करके उन्होंने
उस बालक को यशोदा मैया के बिस्तर पे सुला दिया और योग माया जो तो वहां पे सोई थी उसको उसकी पुनर्दृष्टि दृष्टि डाली। उस बालक की योग माया को उठाकर वासुदेव ने नंद महाराज का घर छोड़ के आगे यमुना में फिर आए, यमुना को फिर से क्रॉस किया, फिर से जेल में गए और जैसा कि जैसा पहले थे सबने जेल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए, हथकड़ियां लग गई। तो ये जानते हुए कि पुत्र उत्पन्न हुआ या पुत्री उत्पन्न हुई, यशोदा मैया ने तो यशोदा मैया तो सो गई, आनंद के साथ सो गई। बालक की आवाज सुनकर इधर मथुरा में बालक की आवाज सुनकर जब सारे गार्ड जो हैं कंस के महल में गए और कंस से बोला कि बालक की उत्पत्ति हुई, उसकी आवाज आ रही है, भय से कंस जो है तुरंत उस प्रसूति गृह में की तरफ भागा, जेल में जहां पे देवकी थी उसकी तरफ भागा। तो एक दुष्ट बहुत बहुत दुखी स्त्री के समान देव की जो सती बहन थी कंस की, उसने कंस से निवेदन किया। देवकी ने कहा कि अब मेरे जबकि सारे पुत्र मारे गए हैं, मेरे को ये एक पुत्री दे दीजिए, बस इसको छोड़ दीजिए। ओ भाई, मेरे भाई, मेरे भ्राता, आपके लिए उचित नहीं कि आप कन्या को मारें। जो भी दुखी रहते हैं उनके प्रति आप बहुत दयालु हैं, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, आपने मेरे पुत्रों को मारा, मुझे जेल में बंद किया, श्रेष्ठ ये सुंदर पुत्री मुझे दे दी। नारद मुनि कहते हैं भ्रमित होके और अपने मुखमंडल को कवर करके देवकी ने बालक को अपनी गोद में लेना चाहा। असुर कंस ने उसको डांटा और उससे बालक को छीन लिया। तब जो वो जो असुर है, पापी असुर कंस, जो यदुवंशियों में अधम है और उसके सारे जो असुर मित्र हैं उसकी सिस्टर की, उसकी देवकी की पुत्री को पैरों से पकड़ा और एक पत्थर में फेंक दिया। कंस पत्थर फेंकने का प्रयास किया, कंस के हाथ से छुटकी वो कन्या आकाश में चली गई और आकाश में चली गई वो कन्या और एक सहस्त्र पत्रों के कमल से बने रथ में जिसको 1,000 घोड़े खींच रहे थे, उन्होंने देखा वो एक शानदार ऐश्वर्यशाली रथ में खड़ी हो गई, उसमें चंवर चवनों से उनकी पूजा हो रही थी, वो योग माया शक्ति कई सेवकों द्वारा सेवित की जा रही थी, जैसे शास्त्र सूर्य रहते हैं, उनकी 8 भुजाएं जिनमें शस्त्र थे और उनकी आवाज
बादलों के समान थे। वो कंस से बोली, योग माया कहती है, भगवान श्री कृष्ण तो ओरिजिनल पुरुषोत्तम भगवान है, वो ऑलरेडी उनका जन्म हो चुका है। वो कहाँ उत्पन्न हुए हैं? वो तुमको आपको अवश्य मारेंगे, क्योंकि आपने इस बेचारी कन्या को व्यर्थ में कष्ट दिया। नारद मुनि कहते हैं, इस प्रकार के कहने के बाद में वो देवी जो है विंध्या हिल में चली गई। वहां वो जो देवी योग माया है उसने कई नाम स्वीकार किए, विंध्या पर्वत में। इस प्रकार से कंस तो बहुत आश्चर्य हुआ, कंस को अपनी माता के ऐसे शब्दों को सुनकर, देवी को के शब्द को सुनकर उसने वासुदेव देवकी को बंधन से मुक्त किया। कंस ने कहा, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने कई पाप किए हैं, मैं असुर हूँ, मैं यादवों में सबसे निम्न हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने क्या कर दिया आपके पुत्रों के इस किलर को, क्षमा कर दीजिए। ऐ सिस्टर, मेरी प्रार्थना सुनिए, ये सब समय का खेल है। जैसे बादल जो है, जैसे हवा बादलों को दूसरी तरफ ले जाती है, मैंने देवताओं के एक शब्दों पर विश्वास कर लिया, अब मैं समझ सकता हूं कि देवता भी झूठ बोलते हैं। वो कहती है कि मेरे जो शत्रु हैं, कंस बोला कि वो देवी बोल रही कि मेरे जो शत्रु हैं वो तो उनको तो ऑलरेडी उत्पन्न हो चुके हैं पृथ्वी पे, और कहाँ है मैं नहीं जानता। इस प्रकार से योग माया के शब्द थे। कंस के लिए, कंस घबरा गया, उसने देवकी वसुदेव को छोड़ दिया। इसके पश्चात नारद मुनि आगे की कथा सुनाते हैं। वो आगे की कथा हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में ये विराम करते हैं, जिसमें कंस ने जो कृष्ण को मारने का प्रयास किया वह असफल रहा, उसकी वजह उसने कन्या को फेंका और कन्या अष्टभुजा की दुर्गा बन के, देवी बन के कंस को बोला, तुम्हारे मारने वाला तो उत्पन्न है। कंस ये सब सुन के घबरा गया, उसने देवकी वसुदेव को छोड़ दिया और मुझे क्षमा मांगी कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मैं यदुवंशियों में अधम हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मेरे मारने वाला तो पूरा पृथ्वी पर उत्पन्न हो गया, ये देवी ने बता दिया। इसके पश्चात अभी आगे की लीला का हम कल श्रवण करेंगे। आज समय हो गया, इसको यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की।